सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्च इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वेंस्का गुप्ता। उत्तर प्रदेश में आज कई जगहों पर हो रहा है विधान परिषद चुनाव मतदान। धामपुर जनपद बिजनौर में विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद MLC चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। शनिवार को 8 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम को 4 बजे तक चलेगा। विधान परिषद के लिए चुनाव प्रचार 7 अप्रैल को खत्म हो चुका है और चुनाव के नतीजे 12 अप्रैल को घोषित किए जाएंगे। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 9 सीटों पर पहले ही जीत तय मानी जा रही है, वहीं अन्य सीटों पर BJP की सपा से कड़ी टक्कर होने के आसार हैं। धामपुर में ब्लॉक परिसर में बनाए गए मतदान केंद्र पर धामपुर तथा शेरकोट के पालिका सदस्य, ब्लॉक के BDC तथा ग्राम प्रधान के लिए मतदान केंद्र बनाया गया था। प्रातः से ही मतदान करने को वोटरों में उत्साह दिखाई दिया। धामपुर ब्लॉक में विधायक अशोक राणा, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती शमा हेमलता चौहान, वोटिंग एकदम बढ़िया है, शांतिपूर्वक सब काम एकदम बढ़िया से हो रहा है। कोई समस्या नहीं, सब जितने भी मतदाता है सब अच्छे से शांतिपूर्वक वोटिंग कर रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष राजू गुप्ता सहित सैकड़ों सभासद BDC मेंबर ने अपने मतदान का प्रयोग किया। साथ ही भाजपा एवं सपा अपने अपने प्रत्याशियों को पूर्ण उत्साह से चुनाव लड़ाने में जुटे हुए दिखाई पड़े। सुरक्षा की दृष्टि से उप जिलाधिकारी विजयवर्धन तोमर, पुलिस क्षेत्राधिकारी अजय अग्रवाल भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। ये चल रहा है, सब चीजें शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है और पूरी तरह से पर्याप्त हमारा फोर्स है, हमारे अधिकारी और कहीं कोई समस्या नहीं। कोई समस्या नहीं है, सब शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।